आप सभी का फिर से स्वागत है एकदम ही नए लेक्चर में हमारे आज 11th क्लास के। और आज जो टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं मेरे बच्चों, वो है सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्या पढ़ने जा रहे हैं मेरे बच्चों? सिग्निफिकेंट फिगर्स। अभी सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होता है सर? छोड़ मेरी बात ध्यान से समझो। मान लो मैं तुम्हारे सामने कहूँ कि बेटा ये मार्कर मैं ऐसे रख देता हूँ, तुम अपनी अपनी स्केल लेके आओ, आपके पास जो भी स्केल है, आप जिस भी कंपनी की स्केल यूज करते हो, आप स्केल लेके आओ और जरा मेजर करके बताओ कि इस मार्कर की लेंथ कितनी है। ठीक है, मान लो मैंने आपसे चार बच्चों से कहा कि भाई इस स्केल की मेजरमेंट करके बताओ, तो सब बच्चे आए भाई अपनी अपनी स्केल लेके, चारों बच्चे। पहले बच्चे ने कहा कि सर ये आपकी स्केल है 5.6 सेंटीमीटर, आपकी आपका जो मार्कर है 5.6 सेंटीमीटर बड़ा है। दूसरे ने कहा सर ये है 5.67 सेंटीमीटर। तीसरे ने कहा सर ये है 5.673 सेंटीमीटर। और चौथे बच्चे ने सिर्फ इतना बोला कि सर ये है 5.6734 सेंटीमीटर। अब देखो ध्यान से, एक ही मार्कर की मेजरमेंट की है चार अलग अलग बच्चों ने, और चारों ने अलग अलग कॉन्फिडेंस में जवाब दिया है। जैसे इन्होंने दो डिजिट्स तक कॉन्फिडेंस में बात की है, 5 और 6, इन्होंने 3 डिजिट्स में कॉन्फिडेंस शो किया है, इन्होंने 4 डिजिट में कॉन्फिडेंस शो किया है, बल्कि इन्होंने 5 डिजिट तक कॉन्फिडेंस शो किया है कि वो सोचते हैं कि ये जो पर्टिकुलर मेजरमेंट है एकदम एक्यूरेसी की तरफ जा रही होगी। तो आखिर किसी भी चीज के मेजरमेंट में, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की मेजरमेंट में, तुम जितने डिजिट्स तक एक्यूरेट होते हो या श्योर होते हो या कॉन्फिडेंट होते हो कि तुम्हारा मेजरमेंट बिल्कुल सही होने वाला है, क्या इनको नहीं पता होगा 5.6 के आगे भी कुछ था पर वो वहां पे कॉन्फिडेंट नहीं थे? तो ध्यान से समझो, किसी भी पर्टिकुलर चीज के मेजरमेंट में तुम जितने डिजिट्स तक कॉन्फिडेंट होते हो कि तुम्हारा मेजरमेंट बिल्कुल सही होने वाला है, उन सारे ही डिजिट्स को बोला जाता है बेटा सिग्निफिकेंट डिजिट्स। तो सिग्निफिकेंट डिजिट्स आर द नंबर ऑफ डिजिट्स इन अ मेजरमेंट ऑफ एनी क्वांटिटी on which we have surety that measurement is up to the mark, that measurement is up to the mark, ki measurement hamara bilkul sahi hai, hum kitne sure hai ki is digit tak measurement sahi hone wala hai, wo number of digits hi kya kehlati hai significant figure, matlab inke according 2 significant figure hai, inke according 3, inke according 4 aur inke according 5। acha agar beta main aapse poochu ki kaun sa measurement sabse zyada acha ho sakta hai, to lagta hai इनकी स्केल बहुत अच्छी थी तभी तो ये चार चार डिजिट तक चले गए होंगे, इनकी स्केल बहुत अच्छी थी तभी तो ये डेसिमल के बाद चार चार स्केल तक चले गए होंगे, चार चार डिजिट तक चले गए होंगे। मतलब इनके पास जो मेजरमेंट आया है, ऐसा लगता है कि एक्यूरेसी की चांसेस सबसे ज्यादा इन्हीं की होती होगी। तो क्या कहना चाहते हो सर? मैं दूसरा पॉइंट जो कहना चाहता हूँ वो है कि जितना ज्यादा सिग्निफिकेंट डिजिट्स होता है किसी भी चीज के मेजरमेंट में, उतनी ही ज्यादा एक्यूरेट मानी जाती है मेजरमेंट, उतनी ज्यादा एक्यूरेट मानी जाती है मेजरमेंट। तो चलो डेफिनेशन लिख लेते हैं सिग्निफिकेंट फिगर की, और ये भी लिख लेते हैं कि क्या इसका फायदा होने वाला है। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स आर द नंबर ऑफ डिजिट्स इन number of digits in measurement on which we have confidence that measurement is up to the mark। चलो बढ़िया, तो ये तो हो गया सिग्निफिकेंट फिगर का डेफिनेशन। और क्या फायदा है सिग्निफिकेंट फिगर से? तो जो दूसरी चीज है जो हमें याद रखनी है वो ये है कि ग्रेटर द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन अ मेजरमेंट, ग्रेटर इज दी एक्यूरेसी। जितने ज्यादा नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होने वाले हैं किसी मेजरमेंट में, उतनी ही ज्यादा होने वाली है एक्यूरेसी। तो ये है छोटा सा चैप्टर हमारा सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में, जिसमें हम लोगों ने अभी तक सिग्निफिकेंट फिगर का क्या डेफिनेशन है और क्या फायदा होने वाला है, ये दो चीजें हमने समझ ली है। अब कैसे काउंट करते हैं कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं आखिर हमारे मेजरमेंट में, कैसे काउंट किया जाता है कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं आखिर हमारे मेजरमेंट में, उसके लिए कुछ रूल्स बनाए गए हैं, उसके लिए कुछ रूल्स बनाए गए हैं और हमें हर एक रूल को बहुत ही तमीज से समझना होगा। आज
का लेक्चर बहुत ही छोटा होने वाला है, मुश्किल से 20-25 मिनट का लेक्चर होने वाला है ये, जिसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ सारे ही रूल्स को बहुत अच्छे से कमांड करने वाले हैं। कल सेकंड लेक्चर आएगा इसका, जिसमें हम लोग दो पर्टिकुलर मेजरमेंट्स को ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करना सीखेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स के कॉन्सेप्ट पे। तो छोटा सा ही चैप्टर है जिसको मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ। डेफिनेशन और रूल्स आज के लेक्चर में खत्म करता हूँ, एडिशन सब्ट्रैक्शन वाला और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वाला पार्ट कल के लेक्चर में खत्म हो जाएगा। फिलहाल बहुत अच्छे से आप इन चीजों को नोट करो, मैं एक करके रूल्स लेके आता हूँ। तो रूल्स टू कैलकुलेट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, हेडिंग लिख लो सब लोग, रूल्स टू कैलकुलेट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, तो देखो सबसे पहले रूल पे चलते हैं। रूल नंबर वन ये कहता है ऑल नॉन जीरो डिजिट्स इन अ मेजरमेंट आर zero digits in a measurement are significant. All non-zero digits in a measurement are significant. ठीक है, तो देखो measurement की बात हो रही है, मतलब पक्का unit जरूर होनी चाहिए। भले ही मैं तुमको यहाँ पे कोई unit लिख के नहीं दिखा रहा हूँ, अब मान लो जैसे मान लो मैंने किसी चीज का measurement किया, वो निकल के आया 2.43, फिर मान लो मैंने किया 6.284, फिर मैंने किया 33.26। ठीक है, तो देखो इसमें कितने नॉन जीरो डिजिट्स हैं बेटा, कितने नॉन जीरो डिजिट्स हैं, ऐसे डिजिट्स जिसमें जीरो नहीं है, ये तीनों के तीनों नॉन जीरो हैं। तो इस पर्टिकुलर एग्जांपल में कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हो जाएंगे बेटा, 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हो जाएंगे, है ना, 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हो जाएंगे। ऐसे ही इस एग्जांपल में बेटा, क्योंकि चारों ही डिजिट्स नॉन जीरो हैं, तो इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स या सिग्निफिकेंट डिजिट्स कहलाएंगे। इसमें भी चारों नॉन जीरो हैं, तो इसमें भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाने वाले हैं। अब मेरी बात ध्यान से समझो, बहुत ध्यान से समझो, रूल 1 ने ये बोला है कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स इन अ मेजरमेंट आर सिग्निफिकेंट। ठीक है, जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं किसी मेजरमेंट में वो सिग्निफिकेंट होते हैं, ये बोला है रूल 1 ने। रूल 1 ने ये कभी नहीं कहा है कि जो जीरो होते हैं तो वो सिग्निफिकेंट होते हैं कि नहीं, उसने जीरो पे कोई कमेंट नहीं किया है। इसलिए जो रूल्स हैं बस रूल मानना, उससे ज्यादा दिमाग लगाने की थोड़ी सी भी जरूरत नहीं है बेटा, वरना तुमसे गलती हो जाएगी। ध्यान से देख लो, रूल कहता है कि जो डिजिट्स नॉन जीरो है वो सिग्निफिकेंट होंगे, पर रूल ने ये नहीं कहा है कि जो जीरो है वो सिग्निफिकेंट कहलाएंगे कि नहीं कहलाएंगे। कि सर लग तो वैसे नहीं लग रहा है, वो मत सोचो, रूल की लाइन के अलावा कहीं और नहीं सोचना है। रूल कहता है कि जो डिजिट्स नॉन जीरो है वो सिग्निफिकेंट होंगे, अब जो जीरो है वो सिग्निफिकेंट होंगे कि नहीं होंगे, ये आने वाले रूल्स बताएंगे। चलो देखते हैं रूल नंबर टू कहता है बेटा All zeros that lie between 2 non-zero digits सिग्निफिकेंट। समझा दो सर एक बार, तो बिल्कुल समझाऊंगा बेटा। बहुत आसान सा रूल है, कि कहता है कि हर वो जीरो जो दोनों तरफ से नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आ जाता हो। इसका ये मतलब नहीं कि वो दोनों उसके दोनों तरफ नॉन जीरो डिजिट्स ही हो, कुल मिला के कहीं ना कहीं उसके लेफ्ट और राइट में नॉन जीरो डिजिट्स होना चाहिए, इसका ये मतलब है। हर वो जीरो जो दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आ जाता होगा बेटा, हर वो जीरो जो दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आ जाता होगा बच्चों, वो हमेशा कैसा होने वाला है, सिग्निफिकेंट होने वाला है। एग्जांपल लेते हैं मान लो मैंने एक एग्जांपल लिया 3.0024, देख लिया मान लो 3084, मान लो एक ले लो 608, एक ले लो 3.1613508,
तो इन सब में कितने सिग्निफिकेंट फिगर से ध्यान से देखते हैं, इसमें नॉन जीरो डिजिट्स कितने हैं, 1, 2, 3, तो रूल वन के अकॉर्डिंग ये तीनों तो सिग्निफिकेंट हुए। इसमें दो जीरो भी है, पर क्या इन दोनों जीरो के राइट और लेफ्ट दोनों तरफ देखा जाए, अगर लेफ्ट और राइट दोनों तरफ देखा जाए तो कहीं ना कहीं क्या एक नॉन जीरो भी डिजिट है, हाँ, तो ये दोनों जीरो भी सिग्निफिकेंट हुए। तो टोटल हो गए बेटा 1, 2, 3, 4 और 5, इसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है बेटा, 5। सिमिलरली इसमें देखो ध्यान से, ये तीनों तो बेटा रूल वन के अकॉर्डिंग सिग्निफिकेंट हुए ही हुए, ये दोनों भी रूल टू के अकॉर्डिंग सिग्निफिकेंट हुए। क्यों? क्योंकि इनके दोनों ही तरफ नॉन जीरो डिजिट मौजूद है। तो इसमें बेटा कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए, 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे, 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे। इसको देखो ध्यान से, 6, 0, 8, 6 और 8 तो नॉन जीरो है, ये तो सिग्निफिकेंट है ही, ये तो सिग्निफिकेंट है ही, 0 क्योंकि दोनों तरफ से नॉन जीरो के बीच में है इसलिए वो भी सिग्निफिकेंट होगा, और इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे। और इसको ध्यान से देखो, इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 तो नॉन जीरो डिजिट्स है, तो ये तो सिग्निफिकेंट है, साथ में ये दोनों जीरो भी हर तरफ से नॉन जीरो के बीच में है तो वो भी सिग्निफिकेंट हो जाएंगे, तो इसमें 9 सिग्निफिकेंट फिगर्स होने वाले हैं। तो ये हो गया कुछ छोटा छोटा सा एग्जांपल जो कि हमारे रूल को और क्लियर करता होगा। अब फिर से वही बात, रूल ने ये बोला है कि वो जीरो जो नॉन जीरो के बीच में आते हैं वो सिग्निफिकेंट है, वो जीरोस जो दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आते हैं वो सिग्निफिकेंट है, ऐसा रूल बोलता है। रूल ने ऐसा कहीं नहीं बोला है कि जो पहले आते हैं या बाद में आते हैं वो सिग्निफिकेंट कहलाएंगे कि नहीं। तो फिर से अपना दिमाग मत लगाओ, जो रूल बोले उसको मानते चलो। रूल ने बस इतना बोला है कि अगर 2 जीरो या 4 जीरो या 10 जीरो या 1 जीरो दोनों तरफ से नॉन जीरो के बीच में है तो वो सिग्निफिकेंट कहलाएगा, अगर जीरो पहले है या बाद में है तो वो सिग्निफिकेंट कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा, वो इस रूल ने नहीं बताया है। तो हम अपने बेसिस पर इसको जज नहीं करने वाले हैं, जितना रूल कहता है हम इतना कहना मानेंगे। आखिर पहले वाले जीरो या बाद वाले जीरो सिग्निफिकेंट है कि नहीं वो हमको शायद अगले रूल में पता चलेगा। तो पहले आप इन दोनों रूल को बहुत ही तरीके से नोट कर लो, एक एक एग्जांपल को नोट कर लो, और अब चलते हैं हम लोग अपने अगले पर्टिकुलर पार्ट में। तो देखो जो हमारा थर्ड रूल है, वो कहता है बेटा लीडिंग जीरोस मतलब जीरोस एट द स्टार्टिंग, जीरोस एट लीडिंग जीरोस और जीरोस एट द स्टार्टिंग ऑफ मेजरमेंट non-significant. क्या कहना चाह रहा है ध्यान से समझो, वो कहता है कि वो zeros जो किसी भी measurement में बिल्कुल starting में आ रहे होंगे, leading zeros या फिर zeros at the starting of a measurement, वो हमेशा कैसे होने वाले हैं बच्चों, वो non-significant होने वाले हैं, वो non-significant होने वाले हैं। एक example लेता हूँ तुम्हारे साथ में, मान लो मैंने एक measurement किया 0, 0, 4, 3, 6, या मैंने कहा 0.03142, या मैं एक एग्जांपल ले लूं 001.0008। अब देखो ध्यान से, इस एग्जांपल में 4, 3 और 6 तो नॉन जीरो डिजिट्स हैं इसलिए रूल 1 के अकॉर्डिंग ये तीनों सिग्निफिकेंट हुए। पहले जीरोस हैं और जीरो के पहले कोई नॉन जीरो डिजिट नहीं है, मतलब इसको मैं लीडिंग जीरो बोलूंगा। क्या बोलूंगा इनको बच्चों? लीडिंग जीरो। और लीडिंग जीरो थर्ड रूल कहता है कि नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं, तो इस पर्टिकुलर एग्जांपल में सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अच्छा याद रखना, ये नंबर नहीं लिखा बेटा, ये मेजरमेंट है, यानी आगे यूनिट होगी किलोमीटर मीटर सेकंड, मैं लिख नहीं रहा हूं यहां पे। चलो यहां देखो ध्यान से, 1, 2, 3, 4 नॉन जीरो डिजिट्स रूल 1 के अकॉर्डिंग सिग्निफिकेंट हो गए, और ये दोनों जीरो क्योंकि लीडिंग जीरो हैं तो ये दोनों नॉन सिग्निफिकेंट हो गए, इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स कैलकुलेट किया जाएगा। इधर देखो ध्यान से, 1 और 8 दो नॉन जीरो तो सिग्निफिकेंट हो गए, इनके बीच में आने वाले तीनों जीरो भी सिग्निफिकेंट है रूल 2 के अकॉर्डिंग, पर ये है पहले वाले दोनों जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है रूल 3 के अकॉर्डिंग, तो इसमें 1, 2 और 3, 4, 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे।
कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे बच्चों, 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे। तो हमको एक बात और पता चल गई रूल 3 के अकॉर्डिंग कि वो जीरोस जो किसी मेजरमेंट पे लीड कर रहे होंगे वो कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं माने जाएंगे, वो कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं हो सकते हैं। इसका मतलब वो जीरोस जो बाद में आते हैं क्या वो सिग्निफिकेंट होंगे, ऐसा कुछ नहीं बताया है इस रूल ने। मैं बार 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 ये बात बोल रहा हूँ, जितना रूल कहेगा उतना ही कहना मानो। रूल कहता है कि पहले होंगे तो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, अगर बाद में है तो सिग्निफिकेंट है कि नहीं है ये हमको इस रूल से नहीं बल्कि अगले रूल से पता चलेगा। तब तक तुम इन सारी चीजों को बहुत ढंग से नोट करो, मैं आता हूँ तुम्हारे पास नेक्स्ट रूल लेके। तो चलो बच्चों चलते हैं हम अपने चौथे रूल की तरफ। और चौथा रूल क्या कहता है ध्यान से समझो, चौथा रूल कहता है कि द ट्रेलिंग जीरोस और द जीरोस एट एंड ऑफ अ मेजरमेंट आर नॉन सिग्निफिकेंट इफ देयर इज नो डेसिमल इन मेजरमेंट। ध्यान देना रूल क्या कह रहा है, मैं बहुत साफ साफ शब्दों में समझा दू, बहुत साफ साफ शब्दों में अगर तुम्हें समझाऊ तो रूल कह रहा है कि वो जीरोस जो मेजरमेंट के एंड में आते हैं, वो जीरोस जो मेजरमेंट के बच्चों एंड में आते हैं, अगर मेजरमेंट में डेसिमल नहीं है तो वो कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं कहलाएंगे। तो ट्रेलिंग जीरोस और द जीरोस एट एंड ऑफ अ मेजरमेंट आर नॉन सिग्निफिकेंट इफ देयर इज नो डेसिमल, इफ देयर इज नो डेसिमल इन मेजरमेंट। मैं तुम्हें एग्जांपल से समझाता हूँ, देखो ध्यान से। मान लो मैंने एक मेजरमेंट लिया 64300 या एक लिया मान लो 420000, ठीक है, या ले लो 1000, ठीक है। इसमें ध्यान से देखो 6, 4 और 3 तीनों नॉन जीरो डिजिट्स हैं, ये तो सिग्निफिकेंट होंगे रूल 1 के अकॉर्डिंग। ये है ट्रेलिंग जीरोस, और क्या इस मेजरमेंट में कहीं डेसिमल आया है, नहीं, तो ये दोनों कभी सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। तो अगर मैं पूछूं इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, तो हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट डिजिट फिगर्स या फिर 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स होने वाले हैं। सिमिलरली इसमें ध्यान से देखो तो ये सारे ही जीरोस ट्रेलिंग हैं पर पूरे मेजरमेंट में कहीं डेसिमल नहीं है। अगर डेसिमल नहीं है तो ये सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। तो 4 और 2 इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स निकल के आने वाले हैं, और सिमिलरली इसमें सिर्फ और सिर्फ बेटा 1 सिग्निफिकेंट फिगर होगा जो कि हमें नजर आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो बहुत ही आसान सा रूल था रूल नंबर 4 जो कि ये कहता है ट्रेलिंग जीरोस और द जीरोस एट एंड ऑफ अ मेजरमेंट आर नॉन सिग्निफिकेंट इफ देयर इज नो डेसिमल इन मेजरमेंट। अगर मेजरमेंट में कोई डेसिमल नहीं है, अगर मेजरमेंट में कोई डेसिमल नहीं है तो जो भी जीरोस बाद में आने वाले हैं वो कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं सर, एक और एग्जांपल। हां भाई लो तुम्हारे कहने पे ले गया। मान लो मैंने कहा 0 1 0 0 1 0 0 0, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, जरा हर रूल का इस्तेमाल करो। सबसे पहले ये है लीडिंग जीरो तो ये सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं होगा, ये है एक डेसिमल सॉरी ये नॉन जीरो नंबर है तो ये सिग्निफिकेंट हुआ, ये सिग्निफिकेंट हुआ, ये दोनों जीरोस नॉन जीरो के बीच में है तो ये सिग्निफिकेंट हुए, पर ये तीनों जीरोस ट्रेलिंग जीरोस हैं और मेजरमेंट में कोई डेसिमल नहीं है तो वो सिग्निफिकेंट नहीं हुए, ये सिग्निफिकेंट नहीं हुए। तो कितने हो गए, 1, 2, 3 और 4। इस मेजरमेंट में सिर्फ और सिर्फ बेटा 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। कितने हैं, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। एग्जांपल जितने ज्यादा आप नोट करोगे बेटा उतना आपके लिए अच्छा होने वाला है। मैं बार बार बोल रहा हूँ एग्जांपल्स में इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ कि मैं आपको सिखा दूं अभी के अभी, मैं इसलिए भी दिखा रहा हूँ कि आप नोट भी करो इन सारी चीजों को। चलते हैं बेटा हम लोग अगले रूल की तरफ, और उससे पहले रूल 4 फिर से एक बार देख लेना। कहता है डेसिमल नहीं है तो बाद में आने वाले जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। तो रूल नंबर 5 क्या कहता है ध्यान से सुनो, रूल नंबर 5 कहता है द ट्रेलिंग जीरोस और जीरोस एट एंड ऑफ अ मेजरमेंट बिकम सिग्निफिकेंट इफ देयर इज अ डेसिमल इन मेजरमेंट। बहुत ही आसानी से सर आपने लिख लिया, हम तो अपने पेन के साथ ऐसा नहीं कर सकते, बड़े ही तो फायदा है बोर्ड का। तुम फिर से लिखोगे दोबारा, तुम्हें लिखना होगा द ट्रेलिंग जीरोस और द जीरोस एट एंड ऑफ अ मेजरमेंट बिकम सिग्निफिकेंट इफ देयर इज अ डेसिमल इन मेजरमेंट। एग्जांपल ले लो भाई, मान लो मैंने लिखा 343.000, ठीक है, तो ये है तो ट्रेलिंग जीरोस, ये दोनों तरफ से इंटीजर या फिर नॉन जीरो से भी घिरे हुए नहीं है, पर यहाँ पे डेसिमल है। तो डेसिमल होने के बाद या फिर डेसिमल है अगर,
तो लास्ट में आने वाले जीरोस अपने आप सिग्निफिकेंट बन जाते हैं। ये कहता है तुम्हारा रूल नंबर 5। और इस रूल के अकॉर्डिंग इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए बेटा? इसमें 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। इसमें 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। मान लो मेरे को 101.00100 इसमें कितने सिग्निफिकेंट नंबर हैं? तो देखो ये जीरो क्योंकि दो नॉन जीरो के बीच में है इसलिए ये भी सिग्निफिकेंट हुआ। ये तो सिग्निफिकेंट है ही, ये भी है ही। और क्योंकि ये दोनों जीरो भी नॉन जीरो के बीच में है तो ये दोनों भी सिग्निफिकेंट हुए। और क्योंकि मेजरमेंट में डेसिमल है तो ये दोनों एंड वाले जीरोस भी सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, 8 इसमें 8 सिग्निफिकेंट फिगर्स नजर आने चाहिए मेरे बच्चों। इसमें 8 सिग्निफिकेंट फिगर्स नजर आने चाहिए। एक और ले लेते हैं सर एग्जाम्पल। मान लो मैं लेता हूँ 001.0003, ठीक है। इसमें कितने सिग्निफिकेंट होंगे? इसमें होगा बेटा 1, 2, 3, 4 मान लो एक जीरो लास्ट में भी है तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6 इसमें 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। स्टार्टिंग वाले जीरो के अलावा बाकी सारे ही जीरो सिग्निफिकेंट हैं। क्यों? क्योंकि ये तीनों तो इसलिए हैं क्योंकि दोनों तरफ से इंटीजर से घिरे हुए हैं और लास्ट वाला इसलिए है क्योंकि वो डेसिमल के बाद आ रहा है। तो डेसिमल के बाद आने की बात नहीं है, मतलब मेजरमेंट में डेसिमल आ रहा है इसलिए लास्ट वाले जीरो सिग्निफिकेंट है कहने का ये मतलब है। तो 3 एग्जांपल इस पर्टिकुलर रूल के लिए भी, रूल नंबर 5 के लिए भी हमारे पास आ चुके हैं। अच्छे से आप रूल नंबर 5 पे नोट कर लीजिए। मैं चलता हूँ लास्ट रूल की तरफ। लास्ट रूल क्या कहता है ध्यान से सुनो। लास्ट रूल कहता है इफ एक्सपोनेंशियल नोटेशन the number the numerical portion decides number of significant figures। क्या मतलब हुआ सर इसका समझा रहा हूं। एक्सपोनेंट का मतलब होता है समथिंग टू द पावर, है ना। जैसे मान लो मैंने एक नंबर लिखा 2.63 × 10⁻¹⁶। मान लो मैंने कहा इतना केजी, 2.63 × 10⁻¹⁶ kg, मैं वो बताओ इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, बताओ इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो रूल कहता है कि ये एक्सपोनेंट वाला पार्ट नहीं बताएगा कितना सिग्निफिकेंट है, जो न्यूमेरिकल पोर्शन है सिर्फ ये जज करेगा कितने सिग्निफिकेंट है। 2.63 में 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं तो इस एग्जांपल में बेटा 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स ही कैलकुलेट किए जाएंगे। कितने होंगे बेटा? 3 होंगे। मान लो एक एग्जांपल और ले लेता हूं, एक एग्जांपल लेता हूं 1.32 × 10⁴। इसमें अगर मैं पूछूं बेटा कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 1.32 × 10⁴, अगर मैं बोलूं इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं बच्चों, तो 10⁴ नहीं डिसाइड करेगा। स्टार्टिंग में जो न्यूमेरिकल पोर्शन है यानी कि 1.302, क्या इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? हाँ, इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। या फिर 10⁶ कर लेते हैं, वरना तो कंफ्यूज हो गए 4 को लेके। इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं तो अपने आंसर में भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स माने जाएंगे। तो ये है हमारा रूल नंबर 6 जो कि ये कहता है कि एक्सपोनेंशियल नोटेशंस में अगर कोई मेजरमेंट है तो जो न्यूमेरिकल पोर्शन है मतलब एक्सपोनेंशियल वाला पोर्शन छोड़ के जो भी कुछ है वही डिसाइड करता है कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होने वाले हैं। हमारा एक्सपोनेंशियल वाला पार्ट डिसाइड नहीं करता है सिग्निफिकेंट फिगर्स को। ये हो गया हमारा 6 रूल हो गया। कुछ बुक में 6 ही रूल दिए रहते हैं, कुछ बुक में 1 रूल ऐड हो जाता है। तो जो ऐड होता है मैं वो भी तुम्हें बता दूं। काउंटिंग जो होती है ना, काउंटिंग नंबर, जैसे मैं बोलूं 12 मैंगोज, है ना। मान लेते 12 मैंगो की बात कर रहा हूं मैं, तो मैं बोलूं 12 मैंगो में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स माने जाएंगे, ठीक है। मैं कहूं 12 डजन बनाना, इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, क्योंकि काउंटिंग की बात हो रही है। तो काउंटिंग जहां भी आती है, काउंटिंग जहां भी की जाती है, वहां पर हमारे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इनफाइनाइट हो चुके होते हैं, इनफाइनाइट हो चुके होते हैं। तो याद रखना ये रूल नंबर 7 में काउंट किया जाएगा अगर तुम अपनी कॉपी में लिखते हो तो।
तो अब बस एक काम रह गया है छोटा सा, क्यों ना 10 से 15 एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस कर लिया जाए, तुमको एक टेस्ट दे दिया जाए जल्दी से कि तुम अपने कॉपी में आंसर्स निकालो और फिर मैं यहाँ पे आंसर निकाल के तुम्हें दिखाता हूँ कि कितने तुम्हारे करेक्ट हुए और कितने तुम्हारे गलत हो रहे हैं। फिलहाल सारे ही रूल 6 के 6 रूल अच्छे से या फिर 7 रूल अच्छे से नोट कर लो, मैं आता हूँ कुछ एग्जाम्पल्स के साथ। तो चलो बच्चे तुम्हारे सामने से मैं बोल के 10 सिंपल से क्वेश्चंस हैं, ये 10 मेजरमेंट्स हैं तुम्हारे सामने और तुम्हें बताना है कि आखिर हर एक मेजरमेंट में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होने वाले हैं। तो तुम अपना टाइम ले सकते हो प्रॉपर, तुम चाहो तो वीडियो को पॉज कर सकते हो, 10 के 10 एग्जांपल्स अच्छे से नोट कर लो और नोट करने के बाद चेक करो कि क्या तुम्हारा आंसर मेरे आंसर से मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। और या तो तुम मेरे साथ सीख भी सकते हो, पर मैं सजेस्ट तो यही करूंगा बेटा कि तुम वीडियो पॉज करके पहले खुद के आंसर निकाल लो और फिर चेक करो कि क्या तुम्हारा कोई आंसर गलत है और क्यों गलत है, कौन सा कुछ तुमने मिस किया है, इस पर चर्चा करते हैं। चलो मैं शुरू करता हूँ सॉल्व करना एक एक करके सारे क्वेश्चन को, है ना। तो मैं सबसे पहले इस क्वेश्चन से शुरू करता हूँ, जो मेजरमेंट है वो है 1.0106। सबसे पहले मैं रूल 1 के अकॉर्डिंग जानता हूँ कि ये 3 डिजिट्स होने वाले हैं सिग्निफिकेंट, क्योंकि ये 90 है, ये 0 दोनों तरफ से नॉन जीरो के बीच में है, ये 0 दोनों तरफ से नॉन जीरो के बीच में है। तो रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग ये दोनों भी सिग्निफिकेंट हो गए और इस मेजरमेंट में मेरे पास टोटल 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स नजर आएंगे या फिर 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स नजर आएंगी। चलो बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया बच्चों। सेकंड में देखो 6, 3 और 8 नॉन जीरो डिजिट्स हैं, तो ये तो सिग्निफिकेंट हुए। बाद में आ रहे हैं 2 0, ये है ट्रेलिंग 0 पर कोई डेसिमल नहीं है, कोई डेसिमल नहीं है, तो रूल नंबर 4 के अकॉर्डिंग ये दोनों 0 सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, जिसका मतलब सिर्फ और सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स ही नजर आएंगे मुझे इस केस में। चलो इस पे चलते हैं 2002001000। देखो 2 सिग्निफिकेंट है, 2 सिग्निफिकेंट और 1 सिग्निफिकेंट है, ये दोनों 0 दो नॉन डिजिट के बीच में है, ये दोनों 0 दो नॉन जीरो के बीच में है और ये दोनों 0 ट्रेलिंग है, ये दोनों 0 बेटा ट्रेलिंग है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये दोनों ट्रेलिंग तो है पर साथ साथ पूरे के पूरे कैलकुलेशन में एक जगह क्या आया है, डेसिमल, तो ये दोनों भी काउंट किए जाएंगे सिग्निफिकेंट में, विच मीन्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 के 9 डिजिट सिग्निफिकेंट है, तो 9 सिग्निफिकेंट फिगर्स होगा हमारे इस एग्जांपल में। चलो देखते हैं भाई इसमें कितना होगा, 008.008, ये दोनों लीडिंग जीरोस हैं, ये कभी सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं होंगे। रूल नंबर 4 के अकॉर्डिंग 8 और 8 सिग्निफिकेंट डिजिट्स माने जाएंगे, क्योंकि रूल नंबर 1 कहता है ये नॉन जीरो है और ये दोनों 0, ये दोनों 0 दो नॉन जीरो के बीच में है, तो ये भी सिग्निफिकेंट माने जाएंगे। इसका मतलब 1, 2, 3 और 4 इस पर्टिकुलर एग्जांपल में 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। शाबाश बच्चों, तुमने बहुत ही सही तरीके से लगता है लेक्चर को देखा है, इसलिए तुमसे कुछ भी गलती नहीं हो रही है। 0.00300। अब यहाँ पे मजा आएगा कि कितने होने वाले हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। कुछ बच्चों को लगा होगा डेसिमल है, तो क्योंकि ये 0 लीडिंग है तो उसको काउंट नहीं करना है, यहाँ डेसिमल है तो ये दोनों सिग्निफिकेंट हुए, ये दोनों सिग्निफिकेंट हुए और ये सिग्निफिकेंट हुआ। कुछ बच्चों ने इसका आंसर 5 दिया होगा और कुछ बच्चों को लगा होगा कि इसका आंसर 3 होना चाहिए। शाबाश, बहुत बढ़िया बेटा। इसके अलावा अगर तुमने कुछ और नहीं सोचा है तो तुम्हारी मेहनत बहुत अच्छी है, अगर इसमें से कहीं कंफ्यूजन है तो वो मैं दूर करता हूँ। ध्यान से देखो, ऑल्दो डेसिमल है पर रूल जो डेसिमल वाला था वो ये ट्रेलिंग जीरोस के लिए था, स्टार्टिंग में तीनों 0 ही है भाई, ये तीनों ही लीडिंग 0 कहलाएंगे, ये तीनों ही क्या कहलाएंगे बच्चों, लीडिंग 0 कहलाएंगे, इसलिए ये तीनों नॉन सिग्निफिकेंट है, ये तीनों ही नॉन सिग्निफिकेंट है, 3 हमारा सिग्निफिकेंट है और ये है ट्रेलिंग 0 पर क्योंकि डेसिमल आ रखा है तो ये दोनों सिग्निफिकेंट में काउंट किए जाएंगे, व्हिच मींस 3 सिग्निफिकेंट फिगर है हमारे 5th एग्जांपल के अकॉर्डिंग। कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होने वाले हैं बच्चों, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होने वाले हैं हमारे 5th एग्जांपल के अकॉर्डिंग। चलते हैं 6th एग्जांपल पे, वो है 1000, क्योंकि कोई डेसिमल वगैरह नजर नहीं आ रहा, व्हिच मींस इसमें से तीनों ही 0 नॉन सिग्निफिकेंट काउंट किए जाएंगे, मतलब सिर्फ 1 सिग्निफिकेंट फिगर है इस पर्टिकुलर कैलकुलेशन में। चलो यहां देखते हैं, 8 नॉन जीरो डिजिट है, 4 नॉन जीरो है, 2 नॉन जीरो है, 6 नॉन जीरो है, तो ये चारों सिग्निफिकेंट हुए, ये 0s, ये 0s और ये 0s सब नॉन जीरो के बीच में है, तो ये 6 भी सिग्निफिकेंट हुए, व्हिच मींस 6 और 4 यानी कि 10 सिग्निफिकेंट फिगर्स होने वाले हैं हमारे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 10 सिग्निफिकेंट फिगर है हमारे इस पर्टिकुलर कैलकुलेशन में। चलो देखते हैं भाई इस वाले में कितने हैं, ये है 0 0 स्टार्टिंग के 0, ये नहीं होंगे सिग्निफिकेंट, 4 होगा, 3 होगा, 2 होगा,
ये दोनों जीरो क्योंकि वन के बीच में है तो ये होगा, और ये भी नहीं होंगे सिग्निफिकेंट क्योंकि ये एंड में आ रहे हैं, ट्रेलिंग में और कहीं डेसिमल नहीं है, तो कितने हुए, एक दो तीन चार पाँच छः, छः सिग्निफिकेंट फिगर्स हुए आखिर इस एग्जाम्पल में। यहाँ देखो 638 × 10⁻¹⁶, क्या एक्सपोनेंशियल नोटेशन आ गया? हाँ, जब एक्सपोनेंशियल नोटेशन है तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स न्यूमेरिकल पोर्शन डिसाइड करता है। क्या इसमें एक दो या तीन, तीन सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, हाँ इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स तीन होने वाले हैं। और लास्ट एग्जांपल है 18 चॉकलेट्स, ओहो काउंट है क्या, नंबर है क्या, हाँ तो इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होगा। तो ये था आज का छोटा सा बहुत ही मजेदार बहुत ही सिंपल सा लेक्चर, सिंपल से रूल्स, विश्वास करो क्वेश्चंस आते हैं आज के लेक्चर के ऊपर, तो कितना अच्छे से तुम सारे रूल्स को याद रख सकते हो, कितने ज्यादा क्वेश्चंस खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो, सब तुम पे डिपेंड करेगा कि तुम कितना अच्छा इस लेक्चर पे कमांड कर पाओगे। तो उम्मीद है कि तुम्हें लेक्चर समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा, और कल कंटिन्यू करेंगे हम इस लेक्चर को, और उम्मीद है कि कल के लेक्चर में ही हमारा ये चैप्टर खत्म भी हो जाएगा। तो अच्छे से सारे रूल्स को याद कर लेना, नोट कर लेना, अपने नोट्स अच्छे से बना लेना, बाकी हंसते रहो, मस्त रहो, खुश रहो, घर में रहो, खेलते रहो, खाते पीते रहो, अपना ध्यान रखो और अपने फ्यूचर का भी ध्यान रखो। चलो थैंक यू बच्चों।